Hello everyone, this is Sick Warrior and today we have with us one of the most legendary mics of all time. The Blue Yeti. Well, as you all can see, this mic is not actually blue. ये जो blue है, this is the brand name. ये आप देख सकते हो, silver microphone है. Blue Yeti mic comes with a lot of different colors. ये mic आपको blue, silver, black, बहुत सारे colors में मिल जाएगा. And this looks just fabulous sitting on your desk. So guys, as you all know, Blue Yeti is a mic which has been around for a while now. और ये जो microphone है, ये बहुत time से बहुत सारे content creators, बहुत सारे streamers, बहुत सारे फील्ड में ये यूज हो रहा है. और जनरली ये माइक्रोफोन जो है ये नीचे पड़ा रहता है डेस्क पे, ये लोगों के वेबकैम में नहीं आता. बट दिस माइक्रोफोन डज द जॉब प्रीटी वेल एंड मी पर्सनली यूजिंग दिस माइक्रोफोन एंड गिविंग यू अ रिव्यू, दिस माइक्रोफोन इज जस्ट Fabulous. अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे इस माइक को क्या चीज परफेक्ट बनाती है. तो इस माइक का जो इंटरफेस है वो इसको परफेक्ट बनाता है. दिस इज अ यूएसबी प्लग एंड प्ले माइक्रोफोन. आपको कोई भी फालतू के डिवाइसेस लेने की जरूरत नहीं होगी. आपको ऑडियो इंटरफेस, आपको मिक्सर, ये सब चीजों को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. बस अपना यूएसबी पोर्ट को लगाओ कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां पे भी लगाना है लगाओ और आपका ये माइक काम करना चालू हो जाएगा. इट्स दैट सिंपल, इट्स जस्ट प्लग एंड प्ले. तो ये जो माइक्रोफोन इतना इजी टू यूज है, इसी वजह से ये इतना पॉपुलर है. प्लस इसका जो साउंड क्वालिटी है, उसकी क्या कहने. जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस माइक्रोफोन इज नॉट जस्ट अ माइक्रोफोन. आप इसमें ऑडियो मॉनिटरिंग भी कर सकते हो. जहां पर आपको एक पोर्ट दिया है 3.5 mm जैक का, जहां से आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो एंड यहां पर आप इसको कनेक्ट करके ऑडियो मॉनिटर कर सकते हो. मुझे तो पर्सनली अपनी वॉइस को सुनने की आदत नहीं है, बट जितने भी लोग होते हैं जो वॉइस ओवर करते हैं, जो लोग गाने रिकॉर्ड करते हैं, उनको अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करके सुनने की पूरी जरूरत होती है कि भाई वो क्या चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये फीचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है. इस लेवल तक की, प्रोफेशनल लेवल तक की आपको चीजें इस माइक्रोफोन में मिलेंगी. एंड अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये जो माइक्रोफोन है ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड बिल्ट है. अगर आप इसको देखोगे तो फुल मेटल का माइक्रोफोन है. ये माइक्रोफोन पूरा कंप्लीटली रोटेट हो जाता है. इसको आपको जिस डायरेक्शन में रखना है, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, वो कर सकते हो. इस माइक्रोफोन के बेस में नीचे आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलेगी, जिससे ये माइक्रोफोन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से. एक बार जब आप रख दोगे इसको एक जगह पे तो अपने डेस्क पे, बहुत बार ये होता है जब आप गेम खेल रहे होते हो, आप फ्लिक्स मार रहे होते हो, काफी ज्यादा मूवमेंट होती है आपके डेस्क पे, तो उससे क्या होता है, अगर माइक्रोफोन हल्का सा हिलेगा तो वो थोड़ी साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि माइक्रोफोन जो होता है वो बहुत सारी साउंड को कैप्चर करता है. तो इसलिए इस माइक्रोफोन का जो स्टर्डी बिल्ट है ये इसको काफी अच्छा बनाता है और इसकी काबिलियत को और ज्यादा एनहांस करता है. तो ये जो माइक्रोफोन है ये फीचर पैक्ड है. जितने भी फीचर्स आपको एक माइक्रोफोन में चाहिए होते हैं, जैसे कि मान लो आपको गेन बढ़ाना है, मान लो आपने इस माइक्रोफोन को थोड़ा दूर रखा हुआ है, आपको आदत नहीं है माइक्रोफोन पास रखने की, एंड इस माइक्रोफोन की कैपेबिलिटीज ये हैं कि आप अगर इसका गेन बढ़ाओगे तो ये दूर अगर पड़ा है तब भी आपके ऑडियो को अच्छे से कैप्चर कर लेगा. तो ये हो गया एक गेन की बात. ये काफी अच्छा, काफी हैंडी फीचर होता है जो कि माइक्रोफोन में अगर होता है तो आप इसको ऑन द गो आप एडजस्ट कर सकते हो. आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ट्वीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने बस पीछे हाथ किया, गेन को ऊपर नीचे कर लिया और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया जितना भी आपको गेन चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. सो गाइज, इस माइक्रोफोन का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो ये है कि इसमें चार वेज से, अलग अलग वेज से आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो. तो इसमें चार तरीके के पोलर पैटर्न्स होते हैं जो कि अभी हम देखेंगे. एक होता है कार्डियोइड, जिसमें कि फ्रंट फेस पे माइक्रोफोन वर्क करेगा और इसके पीछे वाले जितने भी होंगे उनको मिनिमल पॉइंट पे रखेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही नॉइस रिड्यूस कर देगा, एकदम ही मतलब पीछे की ऑडियो नहीं आएगी, बट इसको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करेगा और फ्रंट फेस से सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको ऑडियो मिलेगा. देखो मैं यहाँ पे चुटकी बजाऊंगा, आप ऑडियो लेवल्स पे ध्यान रखना. तो ये वाला पोलर पैटर्न जो मैंने अभी लगाया है वो है ओमनी डायरेक्शनल, मतलब हर डायरेक्शन से इक्वल वॉल्यूम पे साउंड आएगा. देखना आप, रुको. अब ये आपके जो माइक्रोफोन है उसको काइंड ऑफ स्टीरियो मोड पे ला देगा एंड आप जब लेफ्ट राइट जाओगे तो आपका ऑडियो भी वैसे ही लेफ्ट राइट रिकॉर्ड होगा. हेलो 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 हेलो. तो ये काइंड ऑफ इस तरीके से काम करता है. अब इसके बाद आता है एक काइंड ऑफ पॉडकास्टिंग के लिए.
ये वाला जो है ये पॉडकास्टिंग के लिए है, इसमें लेफ्ट और राइट का जो ऑडियो है वो कैंसिल आउट होगा और फ्रंट और बैक का ऑडियो चालू रहेगा। अब मैं आपको दिखा दूँ कैसे, यहाँ पर आप नोटिस करना ऑडियो लेवल्स, और यहाँ पर अब आप देखना ऑडियो लेवल्स। तो ये पॉडकास्टिंग के लिए बेस्ट मोड है। मान लो आपके सामने कोई बैठा है, मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, और इंटरव्यू के लिए भी बेस्ट मोड है। मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, रिकॉर्ड करना है आपको, वन ऑन वन काइंड ऑफ टॉकिंग सेशन रखना है, तो ऐसा कुछ कर सकते हो, चैट सेशन, तो ये बेस्ट मोड है उसके लिए। सामने वाले का ऑडियो भी एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आएगा, मेरा ऑडियो भी एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आएगा, इसीलिए इसको वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी माइक्रोफोन्स ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं, हैंड्स डाउन। सो ये तो हो गए फीचर्स की बात। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो माइक्रोफोन है ये फ्रंट एंड पे आपका साउंड को कैप्चर करता है, जहां पर ब्लू लोगो लगा हुआ है वहां से ऑडियो कैप्चर होती है, तो आपको लोगो पे देख के बात करनी है। आप तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो माउंट लगाते हैं और माउंट के साथ साथ अपना जो माइक का टॉप वाला पोर्शन है उसको अपने माउथ के सामने रखते हैं, जिससे कि ऑडियो उनका अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप ऐसा एक माइक्रोफोन ले रहे हो तो आपको फ्रंट साइड पे बातें करनी है उससे। सो एक और बहुत ही ज्यादा हैंडी फीचर इस माइक्रोफोन का, जो कि इस माइक्रोफोन को काफी अच्छा बनाता है, वो ये है कि इस माइक्रोफोन में आपको म्यूट बटन मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट फीचर है, बट ये काफी ज्यादा हैंडी आता है। मैं आपको अगर अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो कभी कभार ऐसा होता है कि कमरे में कोई आ जाता है जिससे मुझे प्राइवेट कन्वर्सेशन करनी होती है, अब मैं अगर गेम को ऑल टैप करूंगा और उसके बाद म्यूट करूंगा वहां से जाकर सेटिंग से, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अब मुझे चाहिए कि भाई मैंने एक बटन दबाया और वो ऑडियो म्यूट हो जाए, तो ये काफी ज्यादा हैंडी फीचर लगता है। मान लो किसी का फोन आ गया, मैंने सीधा माइक्रोफोन से म्यूट बटन प्रेस कर दिया एंड सारा ऑडियो कैंसिल हो गया, कोई भी ऑडियो कैप्चर नहीं होगा, तो आपको जो प्रिवेसी है वो टॉप नॉच मिलेगी, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो बटन दबा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो म्यूट नहीं होगा तो आपका सारा कन्वर्सेशन लीक हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे माइक्रोफोन्स में मैंने ये नोटिस किया है कि उनमें ये फीचर नहीं होता है एंड बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो जाता है, उनकी बहुत सारी ऐसी ऐसी प्राइवेट बातें लीक हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इस माइक्रोफोन में 8GB है? नहीं भाई, नहीं, इस माइक्रोफोन में RGB नहीं है, सिर्फ एक रेड लाइट जलती है जो कि माइक के म्यूट बटन पे जलती है। RGB तो नहीं मिलेगा आपको, बट वो RGB छोड़ के दुनिया भर की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे जो कि इस माइक्रोफोन को बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाता है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस माइक्रोफोन। सो ये था मेरा रिव्यू ऑन दिस लेजेंडरी माइक्रोफोन, द ब्लू येती। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। आपके बहुत सारे लोग होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे जो कि एक नया माइक्रोफोन लेने की सोच रहे होंगे, क्योंकि आजकल आपको भी पता है बहुत सारी चीजें ऑनलाइन डिजिटल हो गई हैं, एंड लोगों को चाहिए कि उनका जो वॉइस है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो, चाहे वो जूम कॉल हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड कॉल हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो। तो शेयर करो इस वीडियो को एंड उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी एक अच्छे माइक्रोफोन को बाय कर पाए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर दूं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अब अपनी लाइव स्ट्रीम पे, कैच यू गाइस लेटर।